नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। साउथ इंडियन गुंडा से तुलना पर भड़के अमर बावरी, 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगने पर इरफान का दिमाग ठीक करने की दी चेतावनी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अमर बावरी की तुलना दक्षिण भारतीय गुंडा से करने पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बावरी ने अंसारी पर पलटवार करते हुए कहा कि दलितों के प्रति यह कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की सोच के सच को अंसारी ने सामने ला दिया है। साथ ही ट्वीट पर कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंसारी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो संविधान के दायरे में उनका दिमाग ठीक करेंगे। झारखंड के चाईबासा में एक समुदाय विशेष द्वारा दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना के विरोध में शुक्रवार को पूर्व मंत्री अमर बावरी ने झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को घटना से अवगत कराया और न्याय दिलाने की मांग की। इसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी भड़क गए। उन्होंने पूर्व मंत्री को साउथ इंडियन गुंडा कर डाला। अमर बावरी दलितों का नकली हितैषी बनकर सामने आ रहे हैं, दिखने में साउथ इंडियन गुंडा लगता है, गुंडा कभी हितैषी नहीं हो सकता। मैनहट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी आरोपितों का बयान ले गया एसीबी। मैनहट मामले का अनुसंधान कर रहा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों व अन्य सभी आरोपितों का बयान लेगा। आरोपितों के बयान की एसीबी में समीक्षा होगी और समीक्षा में एसीबी उनके बयान से संतुष्ट नहीं हुआ तो वैसे आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए अब एसीबी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी आरोपितों को नोटिस जारी करने जा रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण अब कम होते ही एसीबी से लंबित सभी मामलों का अनुसंधान तेज हो गया है। अभी हाल ही में एसपी रैंक के 3 अधिकारियों को एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बोकारो में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जेसीए ने निकाला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, 25 को हो सकता है करार। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। आगामी 25 जून को बोकारो स्टील प्रबंधन और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के बीच सभी मुद्दों को लेकर करार होने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को जेएससीए की सर्वेक्षण करने वाली टीम ने बालाडी स्थित विस्थापित कॉलेज के समीप प्रस्तावित स्टेडियम स्थल का निरीक्षण किया। सर्वेक्षण टीम का विरोध करने पहुंचे लोगों को चास एसडीएम शशि प्रकाश सिंह ने समझा कर वहां से हटाया। लोगों का कहना है कि जमीन उनकी है। इस पर एसडीएम ने कहा कि जो भी दावा कर रहे हैं वे अपने कागजात प्रस्तुत करें, यदि उनका दावा सही है तो न्याय होगा, यदि गलत लोग दावा करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। इसके बाद सर्वेक्षण टीम ने स्टेडियम का निर्माण के लिए वेटिंग व पैवेलियन का कोना तय किया जिसके आधार पर स्टेडियम का नक्शा तैयार होगा। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुरूप क्रिकेट स्टेडियम बनाने को क्षमता रखता है। क्रिकेट स्टेडियम 20 एकड़ भूमि पर 25,000 दर्शकों की क्षमता वाला बनेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में उषा प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि जेपीएससी ने वर्ष 2003 में प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की थी। शैक्षणिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता को सही ठहराया था। इसके चलते करीब 2,500 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानी गई है। इसके बाद रिक्त पदों पर वर्ष 2005 में जेपीएससी ने भी दोबारा नियुक्ति की अनुशंसा की। इस बीच वर्ष 2004 में पेंशन को समाप्त करते हुए नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। कहा गया कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की वर्ष 2003 में हुई, भले ही उनकी अनुशंसा वर्ष 2005 में हुई लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
झारखंड में आज शाम 4 बजे से 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन, दूध व दवा छोड़ बंद रहेगी सभी दुकानें। झारखंड में शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने इस निर्देश पर सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। यह लगातार दूसरा सप्ताह होगा जब 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है। लॉकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानदारों को, अस्पताल, नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य के सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक होगी। सिर्फ मालवाहक वाहन को ही चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको उसका वैध कारण बताना होगा और सबूत दिखाना होगा, जैसे इलाज, वैक्सीनेशन, रेलवे व एयरपोर्ट संबंधित टिकट आदि। सोमवार की सुबह 6 बजे से पहले ही तरह सभी दुकानें खुल जाएंगी, जो शाम 4 बजे तक ही खुलेगी। शुरू हुई तीसरी लहर की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने नीति आयोग को लिखा पत्र, 12 जिलों में लगाई जाएंगी मशीनें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को राज्य के आकांक्षी जिलों को अत्याधुनिक जांच की सुविधा से लैस किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत राज्य के 12 आकांक्षी जिलों में HRCT, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी MRI एवं कीमोनालाइजेशन मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने नीति आयोग को पत्र लिखा है। नीति आयोग के एडवाइजर शुभेंदु ज्योति सिन्हा को पत्र पर अपर मुख्य सचिव ने कोरोना की दूसरी लहर में नीति आयोग द्वारा की गई मदद के लिए आभार भी व्यक्त किया। झारखंड में तेजी से ठीक हो रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज, रिकवरी रेट 66% जाने एक्टिव केस की संख्या। राज्य में म्यूकर माइकोसिस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहले से बढ़ी है। गुरुवार को 13 लोग स्वस्थ होकर घर गए, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 50 पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में ठीक होने वालों के प्रतिशत 66 तक आ गया है। वहीं दुख की बात यही है कि राज्य में अभी तक 26 लोगों की कुल मौत यानी मृत्यु दर 34% है। उक्त बात शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के ईसी के नोडल अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कही है। गुमला सहित जिले इन प्रखंडों में बनेगा ऑक्सीजन प्लांट जगह चिन्हित। जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स गुमला की बैठक शुक्रवार को ITDA भवन में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। डीसी ने कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए सिविल सर्जन से सदर अस्पताल में की गई तैयारियों की समीक्षा की। सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल के ऊपरी तले में शिशुओं के लिए पीडियाट्रिक वार्ड की स्थापना की गई है। सदर अस्पताल में 110 बेड है, जिसमें से 36 बेड पीडियाट्रिक वार्ड है, जबकि शेष पाइपलाइन से संचालित 74 बेड कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज हेतु व्यवस्थित है। पीडियाट्रिक वार्ड के 36 बेडों में PICU के 19 बेडों को ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा गया है तथा शेष 17 बेडों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जोड़ा गया है। वहीं PSA प्लांट के संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि PSA प्लांट की अधिष्ठापना हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थल चिन्हित कर दिया गया है। मनरेगा के तहत कुआं निर्माण में कुआं घोटाला, सप्लायरों, मजदूरों को बिना काम किए ही हो गया लाखों का भुगतान, जाने पूरा मामला। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने नई योजनाएं चला रखी है। मनरेगा इन्हीं में से एक है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार हावी है। धरातल पर काम नजर आए ना आए, पैसे की निकासी पहले कर ली जा रही है। ताजा मामला कांके प्रखंड में सुकुर हुटू उत्तरी पंचायत के लाभुक सोनालाल महतो का है। मनरेगा के तहत उनके यहाँ सिंचाई कूप का निर्माण होना था, लेकिन कूप निर्माण से पहले ही सामग्री मद से 1.11 लाख रुपये और मजदूरी मद से 40,400 रुपये की निकासी कर ली गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।